हाय डियर फ्रेंड्स, द जेएन स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और द जेएन स्मार्ट क्लासेस आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आया है। वो क्या है डियर फ्रेंड्स? कंप्यूटर एंड ट्रिपल सी का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर एंड ट्रिपल सी का कौन सा दिन है डियर फ्रेंड्स। तो ये कंप्यूटर एंड ट्रिपल सी का 7वां दिन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप किसके साथ पढ़ रहे हैं? द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं। आज कंप्यूटर का 7वां दिन है, ठीक है, ट्रिपल सी का 7वां दिन है। और मैं बार बार कहता हूँ द जेएन स्मार्ट क्लासेस बार बार कहता है डियर फ्रेंड्स, मिशन बनाओ। जब तक अपनी जिंदगी में मिशन नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी काम को समय से नहीं कर पाएंगे। काम तो होगा, काम तो संभव है, हो जाएगा, लेकिन समय से नहीं होगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स मिशन बनाइए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, कर लें दुनिया मुट्ठी में द जेएन के संग हैं तो आपको हर एक सफलता आपके सामने है, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस है, कंप्यूटर की क्लासेस है। और डियर फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ, आप द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। नंबर की बात नहीं करूंगा, ठीक, लेकिन क्वेश्चन की बात मैं करूं तो हर एक कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन तो आता ही है कंप्यूटर से, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक सबसे बड़ी बात, यहां से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी पा जाते हैं। सर्टिफिकेट पाने का मतलब क्या है? आपको ऐसे लेवल तक तैयार कर दिया जाता है कि आप ट्रिपल सी के योग्य हो जाते हैं। आप फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं और वेट करते हैं, ठीक, अच्छा खासा ग्रेड लेकर के आते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। आइए अपनी क्लास को लेटेस्ट स्टार्ट नाउ विद द जेएन स्मार्ट क्लासेस। आइए द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं क्या कहा हूं कि आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं। क्या डियर फ्रेंड्स? कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने 6वें लेक्चर में, इसके पिछले वाले लेक्चर में, कंप्यूटर मेमोरी को मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन कुछ भाग छूटा हुआ है डियर फ्रेंड्स। क्या छूटा हुआ है? सबसे पहले जान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी जो है क्या है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जान लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, मेमोरी जो है कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। क्या करता है मतलब किस काम में आता है मेमोरी जो है किस काम में कंप्यूटर मेमोरी किस काम में आता है? स्टोर करने के काम में। क्या स्टोर करता है? डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। तो ये इतना समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है। ये कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ मेमोरी यहां पर आ गया। मतलब मेमोरी कितने प्रकार की होती है डियर फ्रेंड्स? मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है जो आपके सामने है, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। डियर फ्रेंड्स मैं ये बता चुका हूं क्या मुख्य मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है, मतलब क्या क्या विशेषता होती है, सभी चीजें मैं मुख्य मेमोरी के बारे में बता चुका हूं। आज इसका दूसरा दिन है। कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा है? दूसरा दिन है डियर फ्रेंड्स। आज मैं पढ़ने वाला हूं क्या? सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में पढ़ने वाला हूं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है डियर फ्रेंड्स? सहायक मेमोरी क्या है डियर फ्रेंड्स? आज मैं इसके साथ ये चीज पढ़ने वाला हूं, आप ये चीज पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ बने रहिए और कंप्यूटर मेमोरी का सेकेंड क्लास जो है उसको लेते रहिए, ओके डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखते हैं द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ आप लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने पूरा एकदम फुल्ली तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। आज आते हैं, देखते हैं क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक, तो इसको जानने से, चलिए ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या स्पेसिफिकेशन है उसको जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। कहां होती है डिफरेंट? सीपीयू के बाहर होती है, ठीक। इसको मतलब कब यूज किया जाता है? जब मतलब कोई फ्यूचर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अपने फ्यूचर में कभी यूज करना चाहते हैं। फ्यूचर मतलब क्या? हम आज नहीं यूज करना चाहते हैं, एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने, एक साल, दो साल बाद यूज करना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं? इस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसको क्या करते हैं? सीपीयू के बाहर होती है, इसको हम स्टोर करके रख देते हैं कहीं भी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है। मेन मेमोरी या कैश मेमोरी आप लोग जानते होंगे, मेन मेमोरी या कैश मेमोरी से इसकी क्षमता, मैंने पूरा एकदम बाई डायग्राम, ये फिगर आप देख लीजिए, ये मैंने पूरा एकदम डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। रजिस्टर्ड मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी साइज यानी कि क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये हाई
या तो इसको टेराबाइट, इसकी क्या जीबी या टीबी में इसको मापते हैं, ठीक है, टेराबाइट में मापते हैं, तो इसकी क्षमता क्या है, इसको केबी या एमबी में मापते हैं, इसको भी केबी या एमबी में मापते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, जीबी में मापते हैं। किसमें मापते हैं, जीबी में, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको जीबी या टीबी में मापते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज है, तो इसीलिए कहा गया है जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा होती है, रजिस्टर्ड कैश मेन मेमोरी से भी ज्यादा होती है। तो यही यहाँ पर कहा गया है डियर फ्रेंड्स, इसकी मेमोरी क्षमता क्या है, यहाँ पर इसकी मेमोरी, इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है, और आपको यहाँ पर दिखाए हैं यही मेन मेमोरी है और इससे अधिक इसकी क्षमता होती है। अब ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते होंगे इसके एक एमबी या इसके एक एमबी को खरीदने के लिए जितना पैसा आपको देना पड़ता है उतना इसको एक टीबी के लिए देना पड़ता है, कितना, एक टेराबाइट। अब बताइए महंगा कौन है, एक एमबी उतने में मिल रहा है जितने में एक टीबी मिल रहा है, यानी एक टेराबाइट मिल रहा है, तो आपको पता हो गया ये बहुत कॉस्टली है, मतलब एक एमबी खरीदना है तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना कि एक टीबी खरीदना है, मतलब 1024 जीबी जितना जितने में मिलेगा उतने में यहाँ पर केवल एक एमबी मिल रहा है। तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, बहुत ही कॉस्टली होती है डियर फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया, सेकेंडरी इसकी मतलब क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस किसकी अधिक हुई, कैश मेमोरी या रजिस्टर्ड मेमोरी की अधिक हुई, लेकिन इसकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कम होती है। देख लीजिए यहाँ पर इसके इस डायग्राम के माध्यम से स्पीड और कॉस्ट, स्पीड भी कम, स्पीड ये सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड भी कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुए जा रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड। स्पीड और कॉस्ट दोनों कम होती है किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। तो वही यहाँ पर कहा गया है डियर फ्रेंड्स, यही यहाँ पर कहा गया है मेन मेमोरी की तुलना में, मेन मेमोरी की तुलना में कॉस्ट प्राइस और स्पीड दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं डियर फ्रेंड्स। इसमें स्टोर किए गए डाटा को हम भविष्य में यूज कर सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया इसमें जितने भी डाटा यूज करते हैं, जितने भी डाटा स्टोर करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, जब भी हमको जरूरत होती है, एक महीने, दो महीने, एक साल, दो साल, जितने दिन में जरूरत होती है डियर फ्रेंड्स उतने दिन में यूज करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है डियर फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है और सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, ये तीन होते हैं, याद कीजिए, कर लीजिए। इसके जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं तीन रूप में पाए जाते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के रूप में, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, सॉलिड स्टेट डिस्क के रूप में, एसएसडी इसको कहा जाता है। पूछा जाता है एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, यहाँ मैग्नेटिक डिस्क है और यहाँ ऑप्टिकल डिस्क है। अब देखा जाए जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो डियर फ्रेंड्स मैग्नेटिक डिस्क किसको कहेंगे, हार्ड डिस्क को और फ्लॉफी डिस्क को, ये दो ऐसे डिस्क हैं क्या, हार्ड डिस्क और फ्लॉफी डिस्क, इन दोनों को मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है, चार ऑप्शन दे देगा और उस चार ऑप्शन में चाहे इसका नाम देगा और चाहे इसका नाम दे देगा, कहीं भी एक जगह दे देगा और आपको इस पर क्लिक करके आना है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आता है और फ्लॉफी डिस्क आता है। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे आते हैं, देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिस्क जो होता है वो सीडी होता है, डीवीडी होता है और बीडी होता है। यहाँ पर देखिए सीडी, डीवीडी और बीडी, ये तीनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है डियर फ्रेंड्स, सीडी, डीवीडी और बीडी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लूरेज डिस्क, इसका तीनों का फुल फॉर्म है। अब आते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स इसके इसमें कौन कौन से आते हैं, जो आपके पेन ड्राइव हैं, फ्लैश ड्राइव हैं, ये सब क्या हैं, आपके सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, जो आज के डेट में, आज के दिनों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है, ठीक है। आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है, एसएसडी का ही यूज होता है, ये सब पुराने हो गए। हार्ड डिस्क और ये फ्लॉफी डिस्क का यूज तो होता ही नहीं है, आपका सीडी, डीवीडी और बीडी का यूज खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और आज के डेट में पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव का यूज हो रहा है, सॉलिड यानी कि एसएसडी का यूज हो रहा है। मैग्नेटिक डिस्क का समय
समाप्त हो गया, ऑप्टिकल डिस्क का समय समाप्त हो रहा है और सॉलिड स्टेट डिस्क का यूज आज के डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब हम समझे हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, हर एक चीज को समझा जाए ना। ठीक है, देखते हैं आइए कैसे समझते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क। मैंने क्या कहा, ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक। ठीक, यानी क्या है, फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है। कैसी होती है, गोलाकार वृत्ताकार डिस्क होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ, मैंने अभी क्या बोला है कि मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है तो इस पे मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ जो डिस्क होता है उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट है, वृत्ताकार डिस्क होती है और मैग्नेटिक पदार्थ। और पूछेगा फ्लॉपी डिस्क कैसा है, तो मैग्नेटिक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब सेकेंड पॉइंट आप देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रेस एंड डेटा एंड जो डाटा भी जो भी आपके पास डाटा होता है उसको ट्रेस एंड सेक्टर में स्टोर करते हैं। इसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं, एग्जांपल के रूप में कैसे देखेंगे डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपका प्लेट है, तो ये प्लेट है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये आपका प्लेट है और इसमें बहुत से ऐसे ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके जो सर्किल के रूप में एक एक लाइन जो चल रहा है ये आपका ट्रैक है। ठीक है, जैसे आप रास्ते पर चलते हैं कहते हैं ये ट्रैक है, आप रास्ते पर चल रहे हैं ये ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर वृत्ताकार ट्रैक बने होते हैं। ठीक है, क्या कैसे बने होते हैं, एक वृत्त इस तरह से वृत्ताकार बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं। और सेक्टर की बात करें तो ये सभी के सभी ऐसे ऐसे विभाजित होते हैं, कई भागों में इस तरह से विभाजित होते हैं, तो इसमें से दो के बीच में इसी को सेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक सेक्टर है। ठीक, इस तरह से क्या हो गया, ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होते हैं। क्या आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में स्टोर होते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज में आते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है वो कई अलग अलग साइज में आते हैं, और साइज 8 इंच का है, 5.25 इंच का है और 3.5 इंच का है। 8 इंच के हैं मतलब 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच का है। ठीक, जो 8 इंच वाला है वो कितना स्टोर कर सकता है, देखिए 8 इंच वाला कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम 80 KB। ठीक, 80 KB स्टोर कर सकता है, 8 इंच वाला 80 KB स्टोर कर सकता है, 5.25 इंच वाला 1.2 MB यूज स्टोर कर सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, और जो 3.5 इंच वाला है वो 1.4 MB स्टोर कर सकता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टोरेज क्षमता कम हो रही है। मतलब क्या, फ्लॉपी डिस्क की साइज हम बढ़ाते जाएंगे, फ्लॉपी डिस्क की साइज बढ़ाते जाएंगे स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम होती जाएगी। अगर मैं उल्टा कहें, फ्लॉपी डिस्क की साइज कम करते जाएंगे तो उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती जाएगी। और ये यहाँ पर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये सबसे बड़ी वाली साइज का है, ये उससे छोटी वाली साइज का है और ये उससे छोटी वाली साइज का है। तीनों आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपके सामने इसको देख लीजिए, आप कंटिन्यू द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे रहिए और लोगों तक वीडियो शेयर करते रहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क समझ में आ गया। ठीक है, आप देख भी लिए एग्जांपल के रूप में। अब आते हैं हार्ड डिस्क की तरफ, हार्ड डिस्क क्या चीज होता है। ठीक, हार्ड डिस्क एक धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह है। क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, चुंबकीय डिस्क, अभी मैंने बोला है क्या है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय डिस्क। ठीक, चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, और क्या, एक धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क, कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको 4 डिस्क दिख रहे होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 4 डिस्क दिख रहे होंगे, इस तरह से कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क यहाँ पर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 कई वृत्ताकार डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो और इसमें किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया जा रहा था उसी तरह से हार्ड डिस्क में भी वो यूज होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको फिगर दिखा दिया है, जो आपको इस तरह से एक एक लाइन दिख रहे हैं, इस तरह से ये आपका ट्रैक होता है। ठीक, एक एक ट्रैक होता है। ठीक, ये सभी के सभी क्या है,
ट्रैक हैं। और ये क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पर सेक्टर लिखा है, यहाँ पर सेक्टर लिखा है ना, और यहाँ पर फिगर भी दिख रहा होगा। तो ये आपके सेक्टर होते हैं, इस तरह से सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर में इसमें डाटा स्टोर किए जाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ एक चीज, एक अच्छी बात बता दें कि जितने प्लेट होते हैं, जितनी प्लेटें होती हैं उसके दो गुना हेड होते हैं। इस फिगर में देखिए, बड़े वाले फिगर, इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर हेड है, ठीक, ये चुंबकीय, ये आपकी हो गई, और यहाँ पर प्लेट है, आपको प्लेट दिख रहा होगा, ठीक, ये प्लेट है, और बता दें हेड है, ये हेड है, ठीक, ये हेड है, और जितनी हेड होती हैं, जितनी प्लेट होती हैं उसको, उसका दोगुना यूज होता है हेड, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो पूछता है हेड, हेड और इसमें प्लेट में क्या रेशियो है, तो 1:2 का रेशियो है, मतलब 1:2 है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आगे आते हैं, आप द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए। ट्रिपल सी जैसे एग्जाम को ऐसे ही हवा में निकाल दीजिए, इस तरह से मेहनत कीजिए। तीसरे नंबर पर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। अब कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क क्या है, अब इसके बारे में हम पूरा वर्णन करेंगे। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ये जो आप सीडी, जो आप सीडी वाला कैसेट यूज करते हैं, गोलाकार का होता है, सर्किल वृत्ताकार होता है, और बीच में एक छोटा सा भाग कटा होता है, ठीक है, इसको आप सभी लोग देखे होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल डिस्क। इसमें क्या होता है, केवल और केवल एक बार जो भी सेव करना है, केवल और केवल एक बार सेव कीजिए, और ये तब तक खराब नहीं होगा जब तक, मतलब जब तक ये क्या कहते हैं, जब तक ये आप उसको तोड़ नहीं देंगे, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, तब तक उसको पढ़ा जा सकता है। क्या जितनी बार चाहे उतनी बार उसको पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने का मतलब क्या, अगर मैं मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे, कुछ रिटेन इंस्ट्रक्शन है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे उसमें सेव हैं मतलब वीडियो के रूप में है, उसको देख सकते हैं, उसको कई बार, एक बार नहीं कई बार, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। यह प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और इसमें क्या यहाँ पर दिया है, भीतर एल्यूमिनियम की परत होती है, ठीक है। इसमें डेटा स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क के अलग होती है। अलग कैसे होती है डियर फ्रेंड्स, वहां पर क्या होता था, ट्रैक और सेक्टर के रूप में स्टोर होता था, ट्रैक और सेक्टर के रूप में स्टोर होता मैग्नेटिक वाले में, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल वाले में क्या होता है, पीट्स एंड लैंड्स के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में, पीट्स एंड लैंड के रूप में। इसी कारण कहा गया है यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क अलग अलग होती, स्टोर करने की जो विधि है वो अलग होती है, उसमें ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में और इसमें पीट्स एंड लैंड के रूप में। देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसमें कैसे इस डेटा को स्टोर किया जाता है, ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में यूज डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं वो पीट्स एंड लैंड्स के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक। पीट्स को एक कहते हैं और डेटा को लैंड्स को जीरो कहते हैं, ठीक। इस तरह से जीरो और वन के, वन और जीरो के रूप में, इस तरह से जीरो वन के रूप में स्टोर किया जाता है डेटा को, और पीट्स एंड लैंड्स के रूप में, गड्ढे और भूमि के रूप में स्टोर किया जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, जान लीजिए इसकी कैपेसिटी, सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 MB होती है। कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, 700 MB होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मैं जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ कम ही स्पेस आपको प्राप्त होता है, कितना, 680 प्राप्त होता है, 680 MB ही आप उसमें डेटा को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये आप जान लीजिएगा। अब द जेएन स्मार्ट क्लासेस के हैं साथ हैं, आगे देखिए क्या होता है, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क क्या होता है डियर फ्रेंड्स। तो डीवीडी के बारे में, इसका डीवीडी का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा गया है डियर फ्रेंड्स, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी लोग किस पर ट्रिक करके आते हैं, डिजिटल वीडियो, यहाँ पर किस पर ट्रिक करके आते हैं लोग, वीडियो पर ट्रिक करके आते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। लेकिन आप लोग जान लीजिए, कई किताबों में भी दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन वो गलत है, ठीक। आप क्या ट्रिक करके आएंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर क्लिक करके आएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोगों को, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर ही क्लिक करके आएंगे। ऑप्टिकल डिस्क का इन्वेंट मतलब कब आविष्कार हुआ,
कौन सी कंपनी ने इसको आविष्कार किया? तो ऑप्टिकल डिस्क इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी कंपनी। जो आपकी फिलिप्स एंड सोनी कंपनी है, इसी ने क्या किया था, इस ऑप्टिकल डिस्क को डेवलप किया था। ओके डियर फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया ना, ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क के ही तहत आता है ना, ऑप्टिकल डिस्क के ही तहत आता है। तो जो ऑप्टिकल डिस्क है उसको किसने डेवलप किया था? फिलिप्स एंड सोनी कंपनी ने सन 1995 में ही इसको डेवलप किया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 1995 में ही, 1995 में ही फिलिप्स एंड सोनी कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ठीक, डी और डीवीडी होल्ड्स अ मिनिमम 4 GB डेटा, 4.7 GB डेटा। क्या जो डीवीडी होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितने डेटा को स्टोर कर सकता है? तो 4.7 GB, ठीक, जीबी डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल लेयर वाली डेटा है। मान लीजिए जो आपके डीवीडी आते हैं उसके केवल एक लेयर हो तो 4.7 GB डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन अगर डबल लेयर वाली है, अगर मैं डबल लेयर वाली है, ड्यूअल लेयर वाली है, तो वो मैक्सिमम 8 GB, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 8 GB डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डीवीडी के बारे में आप लोग जान गए। ठीक, किसने डेवलप किया? फिलिप्स एंड सोनी कंपनी ने। कब डेवलप किया? 1995 में। ठीक, ये मैक्सिमम कितना है, अगर मैं सिंगल लेयर है तो 4.7 GB डेटा को स्टोर करेगा, अगर मैं ड्यूअल लेयर है तो मैक्सिमम 8 GB डेटा को स्टोर करेगा। अब हम आ जाते हैं ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क पर आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे यहाँ पर जाइए, नीचे जाने के बाद आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए कैसा लग रहा है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, कंप्यूटर जैसे, कंप्यूटर की तरह इसी तरह अन्य सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं, बेल, इस बेल घंटे पर क्लिक करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जल्दी से क्लिक कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, बेल पर क्लिक कर लीजिए ताकि कोई वीडियो हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ, ब्लू रे डिस्क देता है बीडी। बीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर मैं दे दिया बीडी तो पूछेगा बीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लू डिस्क पर लोग लगा के आएंगे। नहीं डियर फ्रेंड, ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीडी का फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी जान लीजिए। अगर सिंगल लेयर है, एक ही तरफ लेयर लगा हुआ है, 25 GB को मैक्सिमम 25 GB को स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर ड्यूअल लेयर है तो 50 GB को स्टोर स्टोर कर सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी एम है, ठीक, आपका जो भी एम है उस पर सबसे पहले अटल होना पड़ेगा। गोल अपने, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी एम है, उस पर अटल होना पड़ेगा। ठीक है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, मैं मिशन की बात हमेशा कहता हूं, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। ठीक, काक चेष्टा बकोर ध्यानम स्वान निद्रा तथेवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इसको अपनाइए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, ये आपके सामने है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नए हैं, पुराने लोग बेल पर क्लिक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है कंप्यूटर पढ़ने में, और कंप्यूटर के साथ साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, एक वीडियो बनाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे मेहनत किए जाते हैं, तो यार शेयर तो कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है, केवल हमारे ही तक सीमित मत रखिए, केवल आप अपने तक सीमित मत रखिए, अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कैसा आपको लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके डियर फ्रेंड्स, ये आपके आपके लिए लेकर के आया हूं, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी जमी पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। समझ में आया डियर फ्रेंड्स, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी जमी पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। ठीक, दो जीएन स्मार्ट क्लासेस के साथ कंटिन्यू लगे रहिए, और अपनी सक्सेस को और अपनी बुलंदियों को हमेशा और हमेशा पाते रहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट एंड